मनाली से शुरू होगा, वहाँ पहली सवार, उसके बाद मुख्यमंत्री जी आगे यात्रा पर। जयपुर में NSUI द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में राजस्थान प्रभारी नीरज कुंदन, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के साथ विश्वविद्यालय के सभी पूर्व अध्यक्ष और NSUI कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव NSUI 2018 के प्रत्याशियों के साथ वार्ता हुई। राजस्थान प्रभारी नीरज कुंदन ने बताया कि ABVP की हार निश्चित है, क्योंकि उन्होंने बौखलाहट में NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर जो आरोप लगाए हैं वह निराधार है और तथ्य सामने आ चुके हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए करीब 10 प्रत्याशियों ने अपने प्रस्ताव रखे थे, 10 में से एक को ही चुनकर अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया जाता है। कुछ लोग बागी हो सकते हैं, मगर पूरा NSUI परिवार एक साथ यहाँ मौजूद है। उन्होंने अपील की कि सभी छात्र छात्राएं केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए भी सहायता करें। प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने सभी छात्र छात्राओं से NSUI पैनल को जिताने के लिए अपील की और साथ ही बताया कि काफी अरसे से NSUI ने माइनॉरिटी के कैंडिडेट को कोई टिकट नहीं दिया था, परंतु इस वर्ष नोमान खान संयुक्त सचिव का टिकट दिया गया है। इसके साथ ही NSUI मजबूती दावेदारी पेश कर रही है और अपने पैनल को जिताने के लिए जद्दोजहद और जीत की कोशिश सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अध्यक्ष प्रत्याशी रणवीर सिंघानिया ने बताया कि NSUI ने हमेशा छात्रों के हित में काम किया है। आरोप हैं और मुझे लगता है कि हमारी जो मीडिया है वो काफ़ी समझती है हर एक चीज़ को। अब कोई किसी के बोलने से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। आरोप सिद्ध तब भी होता है जब कोई पुख्ता प्रमाण हो और किसी के बोलने से ABVP बोल दे या कोई बाहर का कोई निर्दलीय कैंडिडेट बोल दे, जब उसको टिकट ना मिले तो उससे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पे जो भी आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल बेबुनाह थे। अगर वो आज तक होते तो आज तक आपके सामने सिद्ध हो चुके होते। NSUI के बागी प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बेचे गए। देखिए, ये आरोप आज नहीं लग रहे हैं, ये आरोप मुझे लग रहा है पिछले 10-15 सालों से, जब से छात्र संघ चुनाव में हर बारी लगते हैं। किसी एक को टिकट मिलती है और जिसको टिकट नहीं मिलती है उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है मार्केट में ले जाने के लिए, वो ये होती है कि पैसे लेके टिकट दी। और मेरे एक मीडिया के साथी ने यहाँ पे बोला मेरे भाई ने कि हमें कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से आपने मेजर किया। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहूँगा, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा हमारे कम से कम प्रत्याशी जो आज हमारे खिलाफ हैं वो सामने दिख रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो वापिस आ गए हैं। मुझे लगता है डिहाइड्रेशन की बीमारी तो ABVP में होनी चाहिए कि उनके खुद का कार्यालय उन्हीं के कैंडिडेट्स ने तोड़ा है। वो साथ में रहकर भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि उनके बीच में क्या वातावरण है। हमारे बीच में कम से कम जो आज हमारे साथ इस टेबल पे बैठे हैं वो वातावरण बिल्कुल ठीक है, वो हमारे साथ हैं, और जो नहीं है वो नहीं है। और कोई NSUI संगठन में किसी प्रकार का भी कोई कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर और स्मार्ट क्लासरूम विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द करवाएं। पिछले कई सालों से राजस्थान विश्वविद्यालय में बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल्स के अंदर सीटें नहीं बढ़ाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि की लेकिन सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। यह हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। महारानी महाविद्यालय के हमारे मुद्दे हैं कि महारानी महाविद्यालय में ई मित्र, ATM, बास्केटबॉल कोर्ट, महिला सुरक्षाकर्मी, डिफेंस क्लासेस गर्ल्स के लिए, या जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन, यदि NSUI का पूरा पैनल, NSUI के पदाधिकारी